2010 के बाद पहली बार फिल हीथ के अलावा किसी बॉडी बिल्डर को ओलंपिया खिताब का ताज पहनाया गया, और वो और कोई नहीं शॉन रॉडन, जिन्होंने 7 बार के मौजूदा चैंपियन फिल हीथ को तब चकित कर दिया जब उन्होंने प्रतिष्ठित ओलंपिया खिताब को जीतकर बॉडी बिल्डिंग के इतिहास में 14वें बॉडी बिल्डर बनने का गौरव हासिल किया। रॉडन की इस जीत से फिल हीथ की 8वीं बार चैंपियन बनने की स्ट्रीक भी टूट गई। ओलंपिया बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में वैसे तो कईयों ने हिस्सा लिया, लेकिन रॉडन की जीत ऐतिहासिक भी है। शॉन रॉडन को उनकी जीत पर $4,00,000 से सम्मानित किया गया, जो दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के 53 साल के इतिहास में सबसे बड़ा इनाम। इस जीत के साथ रॉडन ने रॉनी कॉलमैन और ली हनी की लीग में उतरने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने ओलंपिया खिताब में सबसे ज़्यादा बार जीत दर्ज की है। वैसे 2016 में भी रॉडन जीत का एक कदम करीब पहुंचकर फिल हीथ के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे। रॉडन के लिए पहले ओलंपिया खिताब जीतना इतना आसान नहीं रहा था। जमैका के अनुभवी ने फरवरी में घोषणा की कि वो एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, 2 अल्सर और फ्लू के गंभीर मामले के परिणाम स्वरूप आर्नोल्ड क्लासिक के 2018 संस्करण की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने में सक्षम नहीं है, लेकिन उनकी कठिन मेहनत और दृढ़ निश्चय ने एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट के जरिए भेजें।